हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेटल ज्ञान चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपना एपीए फॉर्म यानी एनुअल परफॉर्मेंस अपेरेंसशिप फॉर्म कैसे भरें। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही अपडेट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जाएंगे आदर्श पे। आदर्श पे जाने के बाद आपको एपीए फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा होगा, उस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद जैसे कि मैंने भर दिया है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मेरा फ्रीजर हो गया है। तो चलिए मैंने कैसे भरा है आपको दिखा दे रहे हैं। देख सकते हैं 19-20 का एप्लीकेशन फॉर्म है, ओपन कर लेते हैं। ऐसे ही आपको भी भरना है। सबसे पहले आपको शोरूम के हेडिंग पर क्लिक कर लेना है, उसमें अपेयरेंस मिलेगा। अपेयरेंस में आपको टोटल मार्क्स 11 दिए गए हैं और आपको 11 मार्क्स फिलअप करना है। इसमें 11 कॉलम है तो एक 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 करते जाएंगे तो 11 मार्क्स आपके प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में स्टेटस अदर्स लाइसेंस, उस पर क्लिक कर लेंगे। आपको उसमें एक मार्क प्राप्त करना है, तो जैसा कि मैंने एक मार्क डाल दिया है तो मेरा बराबर हो गया। इन्फ्रैक्चर में आपको डालना है, इन्फ्रैक्चर में आपको 8 मार्क प्राप्त हुए हैं, आप इनमें से चूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप इनमें से जो विकल्प लेना चाहे, एक या दो, जो भी आप करना चाहे। जैसे मैकेनिक, अगर आपके 4000 के नीचे कस्टमर तो एक डाल देंगे, नहीं तो अन्यथा दो, 4000 से ऊपर होंगे काउंटिंग करके उसे डालेंगे। उसके बाद गोडाउन पर जाएंगे, गोडाउन में आपको 14 कारम दिए गए हैं, 14 में एक एक फिलअप कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है डॉक्यूमेंटेशन का, ऑपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिप्शिप पे। तो आप यहाँ 8 नंबर कॉलम है तो 8 नंबर फिलअप कर लेंगे। और उसके बाद में कस्टमर डाटा अपग्रेडेशन में, जैसा कि मैंने 50% लिया है, 50% लोगों का डाटा मार्क दिखाया है, चाहे तो आप दो दो कर सकते हैं, नहीं अन्यथा आप एक एक हमारी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में सेल्स पे पहुंच जाएंगे। सेल्स वाले कॉलम में आपको 10 मैक्सिमम मार्क 10 हैं, तो मुझे आप जिस तरह आपका रेटिंग हो आप उसे फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने 8 रेटिंग दी है अपने मैक्सिमम मार्क को। उसके बाद में डोम में 5 में 4 दी है, नफार में 4 में 4 दी है, ENDE में 1 में 1 दी है, और उसके बाद कस्टमर ऑपरेशन में 7 में 7 दी है, होम डिलीवरी में 4 में 4 दे दिया है, लीकेज में 3 में 3 दे दिया है। सेफ्टी में 6 में 6 दे दिया है, और उसके बाद मैनेजमेंट में 5 में 5 दे दिया है, और उसके बाद में RMG इम्प्रेशन में दे दिया है, और उसके बाद एटीट्यूड में 5 में 5 फिलअप कर दिया है मैं। और उसके बाद में SNO में ITBM में 5 5 मार्क कर दिए हैं। टोटल मैंने 97 क्वेश्चन किए हैं 100 में। तो फ्रेंड, इसी प्रकार आपको नीचे सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव करके आप फ्रीजेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।